हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को हिट कर दो ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन जब भी दूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिलता रहे। दोस्तों स्क्रीन पे आप जैसे कि देख पा रहे हो टाइटल और थंबनेल में तो लिख ही दिया है क्रेडिट बी का अब तक की सबसे बड़ी धमकी। मतलब हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मतलब ऐसा धमकी दिया सब्सक्राइबर को, मतलब मुझे धमकी नहीं दिया, एक सब्सक्राइबर को धमकी मिला। तो क्या है वो धमकी? मुझे जो है व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया था तो वो धमकी जो है फॉरवर्ड किया मेरे को, मतलब अब तक का सबसे बड़ा धमकी मुझे लगा। मतलब जो भी है इसका जो हद जो है क्रेडिट भी अपना हद जो है वो पार कर दे रहा है। तो क्या है वो पूरा एंड तक वीडियो देखिए, मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जो टेक्स्ट किया था, जो चैट हुआ है या फिर जो भी धमकी है, जो टेक्स्ट मैसेज आया था वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पूरा। तो दोस्तों टॉपिक पे आता हूं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अब तक का सबसे बड़ा धमकी जो क्रेडिट भी ने दिया एक सब्सक्राइबर को, तो क्या है वो धमकी? मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था, तो देखिए ये नंबर है क्रेडिट भी की तरफ से। तो लिखा है कानूनी नोटिस, जैसा कि कल सूचित किया गया था हमने आपको कानूनी नोटिस की हार्ड कॉपी आपके नाम से तैयार कर ली है, जल्द ही आपको समझा किया जाएगा, मतलब आपको पता, मतलब उसको सेंड कर दिया जाएगा। हमने आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए आपको आपके मामले के निकटतम कानूनी विभाग टीम को भेज दिया है। मतलब अभी तक तो ठीक है, ठीक है, मतलब जो है नॉर्मल। कृपया ध्यान दें कि कानूनी टीम और फील्ड एजेंट आज शाम 6 बजे तक आपके आधार पते पर पहुंचेंगे। नॉर्मल बात, सभी लोगों को यही SMS आता है। उसके बाद देखिए, अगर आज पेमेंट नहीं किया तो आपके घर के सामान उठा लिया जाएगा। इतना बड़ा धमकी, मतलब आज तक का सबसे बड़ा धमकी। मतलब ऐसा धमकी कभी किसी को नहीं मिला, लेकिन इन भाई सब को मिला जो उत्तर प्रदेश से है। मैं आप लोगों को चैट दिखाऊंगा। तो ये ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। मतलब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ये लोग, इतना ज़्यादा धमकी का जो है देख रहा है, कोई भी काम हो नहीं रहा है, जो भी धमकी दे रहा है या फिर जो भी काम कर रहा है, लीगल नोटिस वगैरह जो भी कर रहा है काम नहीं हो रहा है। तो अभी जो है घर का सामान उठाने का जो है धमकी दे रहा है, मतलब इतना बड़ा धमकी। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमें कॉल करें, मतलब इस नंबर पर कॉल करने के लिए बोला गया, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ नहीं है। फील्ड एजेंट का नाम दिया हुआ है इमरान और टीम, ऋण राशि का भुगतान शाम 6 बजे तक करें। ऐसा कोई नहीं आएगा घर पर, लेकिन ये जो धमकी दिया है ये बहुत बड़ा धमकी दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है जल्द से जल्द पेमेंट करो सर, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अगर टीम घर पहुंच चला गया तो। धीम तो दोस्तों ऐसा धमकी आप लोगों को भी मिल सकता है, आप लोगों भी मतलब इस तरह से जो है डराने के लिए आप लोगों के पास भी जो है ये SMS कर सकता है। तो जो भी ये पैतरा अपनाता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि आप लोग जो है मेरा साथ देते हो, मेरा जो वीडियोज़ देखते हो, और आप लोगों को क्या है कि सबके पास जो प्रॉब्लम्स है वो मेरे को शेयर करता है और मैं आप लोगों को। इससे क्या होता है कि सारा जो भी प्रॉब्लम्स है वो सबको पता चल जा रहा है कि क्या क्या ट्रिक्स है जो क्रेडिट भी हो कि कोई भी एप्लीकेशन हो जो अपनाता है। तो आज जो है ये नया ट्रिक है क्रेडिट भी वाला, देख पहले देख ले, तुम्हारा ये नया ट्रिक मेरे पास आ गया है, अब ये नहीं चलने वाला। घर पर आके कोई अनसिक्योर्ड लोन का अगर कोई भी एजेंट बोले कि घर पर आके अगर आपका सामान उठा के लेके जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा धमकी दे, अनसिक्योर्ड लोन पर ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर सिक्योर्ड लोन है, बैंक का लोन है, सिक्योर्ड लोन है, अगर किसी प्रॉपर्टी या फिर कोई सामान का गिरवी रख के आपने लोन लिया है, तभी जो है वो NPA होने के बाद जो है आप लोगों को नोटिस दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, और आप लोगों को समय दिया जाता है, उसके बाद ही जो है ये ऐसा काम किया जाता है। ऐसे ही कोई घर पर आके किसी का सामान उठा नहीं सकता। पहला बात, ये क्रेडिट भी छोटा मोटा एप्लीकेशन है, ये लोन का एप्लीकेशन है ऑनलाइन, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, अनसिक्योर्ड लोन है। अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो आपका चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप लोगों के पास भी ऐसा SMS आ सकता है जैसे कि उन भाई साहब के साथ हुआ है। तो आप लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे जो भी फेक, मतलब जो भी नोटिस आप लोगों के पास आए या फिर ऐसा धमकी मिले, कृपया डरिए मत या फिर कोई गलत स्टेप्स ना ले इससे। सीधा मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर में मेरा प्रोफाइल में मैं दे के रखा हूँ, आप जाके वहाँ से बात कर सकते हो मेरे से डायरेक्टली, ठीक है। तो ये जो भी है क्रेडिट भी वालों से मैं बोल रहा हूँ, ये जो भी है बंद करो, ठीक है, ऐसा चलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते तुम लोग, ऐसा धमकी तुम लोग दे नहीं सकते। लीगल प्रोसीड्योर अगर अपनाना है आप जाओ कोर्ट, जाओ तुम लोग कोर्ट जाके जो है केस करो, ऐसे तुम लोग धमकी नहीं दे सकते। तुम लोग लीगल RBI रजिस्टर्ड हो, RBI रजिस्टर्ड की तरह चलो। दोस्तों अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।